हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ओप्पो के अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन ओप्पो रेनो एच टू के ऑफिशियल स्पेक्स बताने वाला हूं। दोस्तों, ये ओप्पो के तरफ से आने वाला एक अगला फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। तो दोस्तों, इसके ऑफिशियल स्पेक्स आ चुके हैं, इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है और दोस्तों ये कब इंडिया में लॉन्च होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं डिस्प्ले से। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको डिस्प्ले टाइप एमोलेड देखने को मिलेगा और दोस्तों ये एक बेजललेस डिस्प्ले होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि फ्रंट में दोस्तों आपको डुअल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा कि दोस्तों आपको सिंगल कैमरा के साथ एक सिंगल पंच होल देगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अब रूमर के हिसाब से चले तो यहाँ पर आपको सिंगल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों उसका एक और प्रो वेरियंट आएगा उसमें आपको डुअल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। ये दोस्तों प्रो वेरियंट नहीं है, ये आपको ओप्पो एच टू देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, एक और इसका अपग्रेडेड वर्जन आएगा ओप्पो एच टू प्रो या फिर कुछ भी दोस्तों का प्रो वर्जन आएगा, उसमें दोस्तों आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा डुअल वाला। तो दोस्तों, खैर चलिए हम लोग आगे की बात करते हैं। पिक्सल डेंसिटी दोस्तों आपको मिलेगा 405 ppi की और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा 84.55% स्क्रीन मिलेगा। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा स्क्रीन परसेंटेज है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको स्क्रीन साइज मिलेगा 6.5 इंचेस का और स्क्रीन रेजोल्यूशन होगा 1080x2400 pixels। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा स्क्रीन रेजोल्यूशन है। और दोस्तों, अभी तक आप दोस्तों जान ही चुके होंगे आपको स्क्रीन बहुत अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको एमोलेड स्क्रीन मिल रहा है, 405 ppi है और दोस्तों यहाँ पर आपको फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, स्क्रीन इसका काफ़ी अच्छा होने वाला है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको रैम वेरियंट्स बहुत अच्छे वाले देखने को मिलेंगे, आपको 6128 मिलेगा और 8256 भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों, 4GB रैम वाले वेरियंट के बारे में अभी कुछ पता नहीं है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर आप 256GB तक का माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, दो नैनो सिम लगा सकते हैं या फिर दोस्तों एक नैनो सिम या फिर एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं कैमरास के बारे में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं फ्रंट कैमरा से, यानी कि सेल्फी कैमरा से। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। और दोस्तों, चलिए बात करते हैं मेन कैमरा सेटअप के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जो मेन कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है ना, वो होगा क्वाड कैमरा सेटअप। दोस्तों, जो पहला कैमरा होगा वो 48 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा 16 मेगापिक्सल का, तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का, चौथा कैमरा 2 मेगापिक्सल का। तो दोस्तों, ये कैमरा सेटअप मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन दोस्तों, 48 मेगापिक्सल का जगह अगर 64 मेगापिक्सल दे देता तो और अच्छा होता। और दोस्तों, चलिए बात करते हैं हम लोग सेंसर्स के बारे में। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको इन डिस्प्ले वाला देखने को मिलेगा, जो दोस्तों बहुत अच्छा लगा मेरे को। और लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमेट्री सेंसर, एक्सेलेरोमीटर और जायरो, और ये सब तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, एंड्रॉयड 10 के साथ ही आएगा दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पर बात कर ले और अनदर फीचर्स के बारे में। तो 3.5mm जैक देखने को मिलेगा और डॉल्बी एटमोस आपको ऑडियो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.1 देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा लगा मेरे को। और दोस्तों, चलिए बात करते हैं हम लोग बैटरी सेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बैटरी 4000mAh का देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो 4000mAh की जगह अगर ये 4500mAh या फिर दोस्तों 4300mAh दे देता तो दोस्तों और अच्छा होता। पर दोस्तों, ये जो बैटरी है ना, क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जो सुपर वूक चार्जर को सपोर्ट करता है, 65W के चार्जर को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, ये जो आपके बैटरी को ना बहुत जल्दी चार्ज करेगा, करीबन दोस्तों ये 10 मिनट में आपके 70% बैटरी को चार्ज कर देगा। तो दोस्तों, ये बात मेरे को बहुत अच्छा लगा दोस्तों कि आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, ये चार्जर आपको इन बॉक्स देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए, आपको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जो चिपसेट मिलेगा ना, वो Qualcomm Snapdragon 865 देखने को मिलेगा, जो दोस्तों एक 5G प्रोसेसर है, 5G मॉडम के साथ आता है। और दोस्तों, ये जो Oppo H2 है ना, ये दोस्तों 5G स्मार्टफोन है Oppo का। तो दोस्तों, इसका जो आगे वाला वर्जन होगा, देखते हैं वो दोस्तों कैसा आता है, उसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं ग्राफिक्स के बारे में। तो Adreno का 650 देखने को मिलेगा। और दोस्तों, ये जो प्रोसेसर है Qualcomm का, इस साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर है। तो दोस्तों, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको प्रोसेसर को और अच्छे से बताता हूँ। ये दोस्तों एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 2.84 GHz सिंगल कोर क्रायो 585 प्लस 2.42 GHz ट्रियो कोर क्रायो 585 प्लस 1.8 GHz क्वाड कोर क्रायो 585 पे ये बेस्ड है और इसकी आर्किटेक्चर 64 बिट की है। तो दोस्तों, अगर बात कर ले इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो दोस्तों आपको परफॉर्मेंस एक नंबर का मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये फ्लैगशिप प्रोसेसर है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस को लेके कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। आप कोई भी गेम हो गया, Fortnite, COD, PUBG, कोई भी गेम को आप हाई सेटिंग्स पे खेल पाएंगे बिना किसी ग्लिच, बिना किसी लैग के। आपको एकदम बटर वाला परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, मक्खन की तरह चलेगा, क्योंकि दोस्तों फ्लैगशिप फोन की यही तो बात होती है, परफॉर्मेंस आपको बहुत नंबर वन का मिलने वाला है। और दोस्तों, ग्राफिक्स के बारे में तो पूछिए मत, ग्राफिक्स भी आपको हर गेम में हाई सेटिंग्स पे खेल पाएंगे बिना किसी लैग, बिना किसी ग्लिच के।
तो दोस्तों चलिए आते हैं हम लोग प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों इसका जो प्राइस होने वाला है ना वो करीबन होगा दोस्तों 39,990 रुपीस। तो दोस्तों ये 40,000 का स्मार्टफोन होगा दोस्तों। और इसकी लॉन्च डेट की बात कर ले तो दोस्तों ये मई के महीने में लॉन्च होगा। इसका ऑफिशियल इवेंट का जो डेट आ चुका है ये चाइना में लॉन्च होगा दोस्तों। उसके बाद देखते हैं ये इंडिया में एक महीने बाद आएगा कि दोस्तों उसी दिन दोस्तों लॉन्च हो जाएगा ग्लोबली। तो दोस्तों अभी तो दोस्तों डेट मई का ही आया है, मई के महीने में अभी कोई डेट कंफर्म नहीं हुआ है। अभी दोस्तों ये चाइना में पहले जाएगा, देन उसके बाद इंडिया में आएगा। लेकिन दोस्तों इसका जो प्राइस है ना जो चाइना में होने वाला है उसका अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों ये 40,000 का स्मार्टफोन है। ये दोस्तों स्मार्टफोन वही प्राइस रेंज में जहां पर आपको दोस्तों रेड मैजिक 5G देखने को मिल रहे हैं और आईकू नियो 3 5G देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों मेरे को लग रहा है कि दोस्तों ये जो 40,000 का रेंज है ना इसी में ही 5G स्मार्टफोन ज़्यादातर लॉन्च हो रहे हैं। तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप इस स्मार्टफोन को लेकर क्या सोचते हैं। अगर दोस्तों आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो दोस्तों मैं बोलूँगा आप ये स्मार्टफोन को परचेस मत करिए, क्योंकि दोस्तों आपको और अच्छे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आईको नियो 3 5G उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, कार्ड्स में आप दोस्तों क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा उसके बारे में। ये जो दोस्तों दो स्मार्टफोन है ना आपको बहुत अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं एज कम्पेयर टू दोस्तों ओप्पो H2। तो दोस्तों आप वो दोनों स्मार्टफोन को अभी देख सकते हैं, वो इससे दोस्तों बहुत अच्छे फीचर्स के साथ आ रहे हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए मेरे ओपिनियंस। अगर आपको दोस्तों अपने ओपिनियन शेयर करने हैं तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना यार तो इसको लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। तो मैं मिलता हूँ सभी से अगले और एक नई वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय। Just do it! If you're tired of starting over, stop giving up.